इम्पॉसिबल को भी गौर से देखो तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और ध्यान रखो कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम करीब है। ये कुछ लाइनें आपसे इसलिए कहीं ताकि आप अपने मन से ये डर निकाल दें कि एग्ज़ाम में कम समय बचा है और इतने कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती। देखिए, जिसे कुछ करना है या जिसे पढ़ना है उसके लिए एक रात भी काफ़ी है 90% लाने के लिए, और जिसे कुछ नहीं करना, जिसे नहीं पढ़ना, उसके लिए पूरा साल भी कम है। अब ये तो वो डर था जो हमें एग्ज़ाम से पहले होता ही है, भले कोई टॉपर हो या कोई एवरेज स्टूडेंट हो। लेकिन आज के समय की बात कुछ अलग है। ये जो समय हमारे साथ चल रहा है इसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है, और इसी समय के कारण सबसे बड़ा बदलाव तो हमारी शिक्षा में हुआ है, या ये कहें कि हम इन बदलावों के कारण हम पीछे रह गए हैं। मतलब सोचिए, आज से 1.5-2 साल पहले भी हम एग्ज़ाम दिया करते थे, तब ज़्यादा से ज़्यादा डर क्या रहता था कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा। लेकिन अब एक डर और ऐड हो गया है कि एग्ज़ाम करेंगे कैसे, एग्ज़ाम की तैयारी होगी कैसे। अब इस डर का कारण बदलाव ही है। ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई होती थी वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती, किसी को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आती, कोई ऑनलाइन पढ़ाई में लापरवाह हो गया है, किसी को अपने स्कूल का एनवायरनमेंट पसंद था, जो भी कारण हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि हम पहले जैसे समय के आने के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। एक एग्जाम्पल लें तो हमें भी इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ा कि आपके लिए ये वीडियो सही टाइम पर है या नहीं, क्योंकि किसी स्टेट में स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, किसी स्टेट में स्कूल और कॉलेजेस लॉकडाउन की वजह से नहीं खुले हैं, कई स्कूल और कॉलेजेस में एग्ज़ाम चल रहे हैं और कई स्कूल और कॉलेजेस में एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो तैयार किया गया, ताकि ये वीडियो आपको मोटिवेट कर सके और इस वीडियो के जरिए आपको टिप्स जान पाएँ जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, मेक योर टाइम टेबल। हम जानते हैं कि ये आपकी जानी मानी टिप्स में से एक है, लेकिन इस टिप में 2 पार्ट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट उनके लिए जिनके एग्ज़ाम में काफ़ी समय बाकी है, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एक अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, टाइम टेबल में 7-8 आवर्स की स्लिप जरूर हो। पॉइंट 2, आपका माइंड 100% एक्टिव मॉर्निंग में 4-6 AM के बीच होता है, तो ये बेस्ट टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। पॉइंट 3, ब्रेकफास्ट करने का परफेक्ट टाइम आपके लिए 7-9 AM के बीच होना चाहिए। पॉइंट 4, 12-1:30 PM के बीच लंच टाइम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप खुद को चार्ज अप करना चाहते हैं तो दिन में आप 1 आवर्स की स्लिप भी ले सकते हैं, उसके बाद स्नैक्स के साथ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पॉइंट 5, दिन भर में एक बार 30 मिनट्स का लंबा ब्रेक जरूर लें। पॉइंट 6, डिनर का परफेक्ट टाइम 7-8:30 PM के बीच होता है। पॉइंट 7, डिनर के बाद 10-15 मिनट्स की वॉक जरूर लें, घर से बाहर ना जाएं, अपने घर के रूफ पर ही टहलें। पॉइंट 8, एग्जाम करीब है तो आपको सोना नहीं है, इसके बाद आपको नाइट में सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम और मॉर्निंग में गेटअप का टाइम का ध्यान रखिएगा ताकि आप 7-8 आवर्स की स्लिप ले पाएं। इन कुछ पॉइंट्स का, इन कुछ बातों का ध्यान रखें। और दूसरा पार्ट उनके लिए है जिनके एग्जाम में कम समय बचा है या जिनके एग्जाम करीब है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। ये आपके लिए कोई नॉर्मल डेज नहीं है जिसमें आपको कई काम करने हैं, आपका सारा फोकस स्टडी के ऊपर ही होना चाहिए, तो फिर टाइम टेबल बनाने में समय बर्बाद क्यों करना। टिप 2, फॉलो डिफिकल्ट टू इजी रूल। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग से नाइट की तरफ आते आते हमारे ब्रेन की एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं या जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को डिफिकल्ट टू इजी के सीक्वेंस में लगाकर एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, जिससे मॉर्निंग में आपकी शुरुआत डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ हो और नाइट में आते आते आपके पास इजी सब्जेक्ट आ जाए। या अगर आपके एग्जाम में समय है तो आप अपना सारा फोकस वीक सब्जेक्ट पर भी कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। टिप नंबर 3, ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लेस। अगर आपको अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कम समय में करनी है तो जरूरी है कि आप अपने घर में एक ऐसा प्लेस ढूंढें जो कि बिल्कुल शांत हो, जहां ना ही कोई ज़्यादा आता जाता हो, और सिर्फ वही चीज़ें वहां पर रखें जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या स्टडी के टाइम आपके काम आती हों। कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। टिप नंबर 4, रीड एंड राइट। ये बहुत ही सिंपल टिप है और कम समय में एग्जाम की तैयारी करने में ये टिप आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। पहली बात तो ये याद रखिए कि एग्जाम के स्ट्रेस में जल्दी सिलेबस खत्म करने की वजह से आप रट्टा मारना ना चालू कर दें, ये गलती मत करिएगा। इस टिप में आपको पढ़ते समय हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और अच्छे से टॉपिक्स को समझना है, अपनी इमेजिनेशन के जरिए अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स बगल में रखी नोटबुक में लिखते चलने हैं। आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स अपनी नोटबुक में जरूर लिखने हैं।
क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भले आपकी बुक 400 पन्नों की हो, लेकिन उसमें मेन पेजेस सिर्फ 100 ही होते हैं, और इन 100 पन्नों का काम आपकी नोटबुक करेगी। और एग्जाम टाइम में आप पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन ये लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर याद रहेंगे। टिप नंबर 5, गेट ऑनलाइन हेल्प। अब टेक्नोलॉजी तेज है, हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्यों ना हम भी किताबों के साथ साथ ऑनलाइन किसी टॉपिक या आंसर को समझने के लिए हेल्प लें और अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करें। मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा, आपकी बुक में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें? हम तुरंत अपना मोबाइल उठाएं और वो क्वेश्चन सर्च करें, जिसके बाद हमारे सामने बेहतर से बेहतर रिजल्ट खुल के आ जाएंगे। या मान के चलिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो भी आप अपने मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं, उस टॉपिक को गूगल पर सर्च करिए और आपके सामने ढेरों रिजल्ट आ जाएंगे। अपनी डेली डेटा लिमिट को सोशल मीडिया में बर्बाद करने से अच्छा है आप इसका इस्तेमाल अच्छी जगह करें। टिप नंबर 6, डोंट रीड न्यू थिंग्स। एग्जाम में कम समय बाकी है, इसलिए इस टिप का ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम से पहले कोई भी न्यू टॉपिक, कोई भी नई चीज समझने की गलती ना करें। ऐसा करने से आपने जो पढ़ा है आप वो भी भूल जाएंगे। नया टॉपिक समझने की कोशिश में आप पुराना पढ़ा हुआ तो भूल ही जाएंगे, साथ में टाइम कम होने की वजह से आपको वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए लालच में आकर ये गलती मत करिएगा। टिप नंबर 7, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द टॉपिक विच यू डोंट अंडरस्टैंड। अब मान के चलिए आपके पास कोई टॉपिक या आंसर ऐसा आ जाता है जो कि आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को टिक करके रख लीजिए या किसी चीज़ में लिख लीजिए, और अगर आपके पास बाद में समय बचता है तो उस टॉपिक को समझने पर टाइम दीजिएगा। लेकिन उसकी वजह से ऐसा मत करिए कि जितनी देर में आप 4 टॉपिक समझ लेते उतना टाइम आपने उस टॉपिक पर वेस्ट कर दिया और आपको वो समझ में भी नहीं आया। टिप नंबर 8, सम चेंजेस इन योर स्मार्टफोन। एग्जाम पास हैं तो जरूरी है कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ऐप्स या जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आप उन्हें हटा दीजिए या उनके नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये सब आपको कुछ नहीं देने वाले। अभी ऐसा नहीं करोगे तो बाद में जाके पछतावा होगा कि कुछ दिन बचे थे एग्जाम में, अगर इन सबको हटा देता तो आज अच्छे अंकों के साथ पास होता। तो बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो बस कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और एक बात और, आपके चैनल पर स्टडीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए और भी कई वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।